Gustagia. वो इतनी खूबसूरत थीं कि उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला करार दिया गया। And Miss World 1994 is Miss India. वो इतनी टैलेंटेड थीं कि उनके जवाब के आगे दुनिया की कोई दूसरी महिला टिक नहीं पाई। What qualities should Miss World 1994 embody? Of nationality, color. We have to look beyond that. And that would make a true Miss World, a true person, a real person. उन्होंने अपनी इसी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर बेहद कम समय में बॉलीवुड में भी अपनी धाक जमा ली और उनके साथ काम करने के लिए दिग्गज एक्टर्स भी तरसने लगे। उन्हें ना सिर्फ दुनिया के सबसे फेमस और प्रतिष्ठित शोज से इंटरव्यू के लिए बुलावे आने लगे, बल्कि कई हॉलीवुड मूवीज में भी लीड एक्ट्रेस कास्ट किया गया, जो तब के लिए बड़ी बात थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत से लेकर पूरी दुनिया में इतना नेम, फेम और दौलत कमाने वाली इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ इतनी मेसअप हो गई कि उस दौर ने इन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। तुम्हारे पिता की इज्जत इज्जत है और मेरे बाबा की इज्जत ही नहीं, तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ अमीर। क्या आपको पता है कि सलमान खान से रिलेशनशिप और फिर उनकी मारपीट और गाली गलौज से तंग आकर इन्होंने जब ब्रेकअप करने की कोशिश की, तब वो इस कदर पागल हो गए कि शराब पीकर इनके अपार्टमेंट के बाहर पूरी रात हंगामा किया और ये घटना अखबारों की सुर्खियां बन गईं। किसने सौंपी थी आपको ये जिम्मेदारी? किसने कहा था आपसे कि मुझे यहाँ ले आए? और क्या आप यकीन करेंगे कि जिन्हें इस प्लेनेट की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता था, उन्हें अपने इस टॉक्सिक बॉयफ्रेंड की वजह से कई बड़ी फिल्मों से बाहर कर दिया गया और बॉलीवुड ने इनके साथ काम करना ही लगभग बंद कर दिया। तो इतनी मजबूत शख्सियत जिन्हें टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे ताकतवर लोगों के लिस्ट में शामिल किया था, क्यों इतनी मजबूर हो गईं? क्यों तब ये अपनी जिंदगी और करियर तबाह करने वाले उस शख्स के खिलाफ कुछ नहीं कर पाईं? और क्यों फिर इन्हें कम्प्रोमाइज करके एक फ्लॉप एक्टर से शादी करनी पड़ी? वैसे तुमने कभी कहा नहीं है कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, जिसे तुम शादी करना चाहती हो, वो मेरे जैसा लंबा होगा या छोटा? छोटा। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं और बॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में से एक ऐश्वर्या राय की। दोस्तों, आज के अपने शो में हम ऐश्वर्या की बायोग्राफी की चर्चा नहीं करेंगे। इनका काम इतना वर्सटाइल है और इनकी पहचान इतनी बड़ी है कि हम उसकी चर्चा किसी और वीडियो में विस्तार से करेंगे। आज बात होगी इनकी जिंदगी के उस फेज की जब ये एक सुपरस्टार सेलिब्रिटी थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में मचे बवाल ने इनके करियर को तबाह कर दिया। क्यों ना करो गुरूर, तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत? मेरे पास गुण भी है, रूप भी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। साल था 1997। ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड बनने के 3 साल बाद बॉलीवुड में डेब्यू किया था।
इससे पहले ये एक तमिल फिल्म में काम कर चुकी थी और ढेर सारे एडवर्टीजमेंट और मॉडलिंग में काफी बिजी रही थी। फिर इन्हें जो पहली हिंदी फिल्म मिली वो थी और प्यार हो गया। ये फिल्म तो ठीक ठाक चली लेकिन ऐश्वर्या को इससे कुछ ज्यादा पहचान नहीं मिली। इसी साल इनकी मुलाकात हुई सलमान खान से। तब सलमान खान संगीता बिजलानी से ब्रेकअप के बाद पाकिस्तानी हसीना सोमी अली के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में थे और तब इस कपल की शादी की बातें भी फिजाओं में तैरा करती थीं। खैर, ऐश्वर्या धीरे धीरे और भी कई फिल्मों में नजर आती रहीं, जिनमें जीन्स और आ अब लौट चलें जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन अभी भी ऐश्वर्या को अपने फिल्मी करियर को अपलिफ्ट करने के लिए एक बड़ी हिट फिल्म की जरूरत थी। तभी साल 1999 में एक फिल्म की तैयारी चल रही थी जिसका नाम था हम दिल दे चुके साम। बताते हैं कि इस फिल्म के लिए डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को सलमान खान ने ऐश्वर्या राय का नाम सजेस्ट किया, क्योंकि वो जब पहली बार ऐश्वर्या से मिले थे तभी से उनकी खूबसूरती के कायल हो गए थे और उनके साथ काम करना चाहते थे। ऐश्वर्या से संपर्क किया गया, उन्होंने हामी भरी और एज अ लीड एक्ट्रेस उन्हें इस फिल्म में कास्ट कर लिया गया। ऐश्वर्या पर लिखी गई किताब हॉल ऑफ फेम के मुताबिक 1997 में सलमान ने डायरेक्टर मंसूर खान के फिल्म जोश में इसलिए काम करने से मना कर दिया था क्योंकि इसमें उन्हें ऐश्वर्या के भाई का किरदार निभाना था। तो जैसे जैसे फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग आगे बढ़ी, सलमान खान ऐश्वर्या के करीब आने और इन्हें इम्प्रेस करने की तमाम कोशिशें करने लगे और आखिरकार ऐश भी सलमान को पसंद करने लगी और इनकी ये केमिस्ट्री इस फिल्म में भी देखी जा सकती है। फिल्मी मैगजीन्स और बॉलीवुड की गलियों से होते हुए जब ये खबर सलमान की गर्लफ्रेंड सोमी अली तक पहुंची, तो उन्होंने सलमान से सवाल पूछे लेकिन अल्हड़ मस्त मौला दबंग भाईजान ने उन्हें सीरियस नहीं लिया और इनके इस बिहेवियर से हर्ट होकर सोमी अली ने आखिरकार उन्हें छोड़ने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने देश भी छोड़ दिया और यूएस चली गईं। सोमी अली से ब्रेकअप के बाद अब सलमान और ऐश्वर्या ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करने लगे क्योंकि अब इनके मिलने जुलने पर कोई एतराज करने वाला नहीं था। नजर लग गई ना? आप ही की लगी होगी, मेरी नजर वैसी नहीं है। फिर कैसी है आपकी नजर? तेज, आपकी रूह तक झांक सकती है। अच्छा, तो फिर क्या देखा? निम्बुड़ा, खट्टा निम्बुड़ा। ऐश्वर्या तब 25 साल की थी और सलमान इनसे 8 साल बड़े यानी 33 साल के थे। लेकिन इन दोनों की जोड़ी ऐसी खूबसूरत और स्पेशल दिखती थी कि जब फिल्म हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई तो दर्शक पागल हो गए। यही वो दौर था जब ऐश्वर्या प्यार में थी और करियर की ऊंचाइयों पर भी, लेकिन इन दोनों खुशियों को एक साथ ये ज्यादा दिनों तक संभाल नहीं पाई और एक की वजह से दूसरी भी छिनती चली गई। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। तो ऐसा क्या हुआ कि ये खूबसूरत रिश्ता एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल गया और किस तरह से ऐश्वर्या का पूरा करियर ही इस एक रिश्ते की वजह से लगभग तबाह हो गया, चलिए विस्तार से जानते हैं। क्यों आंसू पीती है, क्यों दुख में जीती है, क्यों आंखों में गम का है धुआं। दरअसल ये वो दौर था जब सलमान खान को बॉलीवुड के बैड बॉय के नाम से जाना जाता था और ये अपनी गर्लफ्रेंड्स बदलने के साथ साथ अपने खतरनाक गुस्से के लिए भी जाने जाते थे। यही वजह थी कि जब सलमान से रिश्ते के बारे में ऐश्वर्या के पेरेंट्स को पता चला तो वो बेटी पर बेहद नाराज हुए। बताते हैं कि घर में इस मुद्दे पर काफी तनाव के बाद ऐश्वर्या ने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया और लोखंडवाला के ब्रुक हिल टावर में एक फ्लैट लेकर अकेली रहने लगी।
प्यार से प्यार का अब हम ना हो। साल 1999 से 2000 तक सलमान और ऐश्वर्या का रिलेशनशिप अच्छा चलता रहा और कई बार इनकी शादी के र्यूमर्स भी सामने आते रहे। लेकिन फिर ये खबर सामने आने लगी कि सलमान एक अल्कोहलिक शख्स हैं और इससे ऐश्वर्या और उनके बीच झगड़े हो रहे हैं। कई अखबारों ने तो यहाँ तक छापा कि ड्रिंक करने के बाद सलमान नशे की हालत में ऐश्वर्या के साथ मिसबिहेव करते हैं, मारपीट करते हैं। वो फोन पर लगातार उन्हें धमकियां देते हैं, चिल्लाते रहते हैं, उन पर शक करते हैं और कई बार तो ये उनके घर भी पहुंच जाते हैं और अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं। देखो मुझे, कभी तुमने मुझे ऐसा देखा है? कितना खुश रहता था मैं, लेकिन जब से तुमसे प्यार करने लगा हूं ऐसा लगता है कि मेरी सारी शादी शुरू हो गई है। इन झगड़ों में सलमान ज्यादातर ये आरोप लगाते थे कि ऐश्वर्या अपनी फिल्मों के को स्टार्स के साथ रिश्ते में हैं और उन्हें चीट कर रही हैं। और जब सुबह में उनका नशा उतर जाता तो ऐश्वर्या को सॉरी बोल देते थे। बाद में ऐश्वर्या ने साल 2002 में बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया भी था। ऐश्वर्या ने कहा था, मैं उनके शराबी व्यवहार को और उनके सबसे बुरे दौर को सहती रही और मुझे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनकी बेवफाई और बेइज्जती का शिकार होना पड़ा, इसलिए मैंने किसी भी दूसरी स्वाभिमानी महिला की तरह उनसे अपना रिश्ता खत्म कर लिया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में सलमान द्वारा मारपीट पर क्या कुछ कहा था, आप स्क्रीन पर दिख रहे इस पूरे इंटरव्यू को पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेकिन जब इस पर कुछ पत्रकारों ने सलमान खान से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि काफी वक्त पहले मुझसे एक जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया था तो मैंने टेबल पर जोर से हाथ पटका और वो घबरा गए। टेबल वाकई में टूट गई थी। मेरे बताने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी को मारूंगा तो वो लड़ाई होगी, मुझे गुस्सा आएगा। मैंने जोर से मार दिया होता तो मुझे नहीं लगता कि वो इससे बच पाती, इसलिए ये सच नहीं है। I mean, like there was a journalist who asked me this a long time ago. I think Mr. Prabhu Chawla, he said that have a hit. So I just banged the table and he got startled. The table nearly broke. I said, I mean, now if I hit somebody, I mean, I'm not going to. It's obviously a fight. I'm going to be angry. I'm going to, if I'm going to whack, I'm going to give her like my best shot. I don't think she'll survive it. So, no, it's not true. And right. I don't know for what reason that was said. तो एक दूसरे इंटरव्यू में सुनिए उनका जवाब क्या था। मेरी जाती लाइफ है, मैं किसी को मारूं, मैं किसी के साथ सोऊं, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, ये आपका नहीं है। आप क्यों लिखते हैं, आप मेरे परफॉर्मेंस के बारे में लिखिए कि मैं बुरा था, मैं अच्छा था, मेरी पिक्चरों के बारे में। इस तरह धीरे धीरे सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता इतना टॉक्सिक होता चला गया कि अब इसमें प्यार की जगह सिर्फ कड़वाहटों ने ले ली थी। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने ऐश्वर्या को इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने की एक बड़ी वजह दे दी। हुआ ये कि सोनी अली ने यूएसए से सलमान खान को फोन किया और उनसे मदद की गुहार लगाई, क्योंकि उनके पिता जिनकी सर्जरी होनी थी वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। सलमान खान ने बिना अपनी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या को बताए यूएसए जाने का फैसला किया। वो चले गए और वहाँ जाकर वो काफी दिनों तक सोनी अली के साथ रहे। सलमान जब वहां से भारत लौटे तो ऐश्वर्या ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा और फिर इनके बीच खूब झगड़ा हुआ। ये साल 2001 की बात है। ऐश्वर्या ने कह दिया कि वो सलमान से रिश्ता तोड़ना चाहती हैं, लेकिन सलमान इसके लिए तैयार नहीं थे। वो किसी भी कीमत पर ऐश्वर्या को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो जब नशे में होते तो सारी हदें पार कर जाते और जब सुबह नशा उतरता तो फोन कर ऐश्वर्या से माफी मांग लेते और ऐसे बिहेव करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सारी बातें भी ऐश्वर्या ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। खैर, ये वो दौर था जब ऐश्वर्या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहद कामयाब चल रही थी और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार थीं।
ये तब कुछ बड़ी फिल्मों में काम कर रही थीं, जिनकी शूटिंग में काफी बिजी रहती थीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनकी पर्सनल लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि इनके लिए दोनों में बैलेंस कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। खबरों के मुताबिक एक दिन सलमान खान ऐश्वर्या के लोखंडवाला वाले अपार्टमेंट जा पहुंचे और वो काफी ज्यादा नशे में थे। वो उनके घर के बाहर काफी देर तक हंगामा करते रहे, लेकिन इस बार ऐश्वर्या ने घर का दरवाजा नहीं खोला। घंटों वहां पर सलमान खान हंगामा करते रहे, काफी पड़ोसी वहां इकट्ठा हो गए और ऐश्वर्या ने भी इस दिन एक बड़ा कदम उठाया और अपने पापा को फोन कर दिया। और इस तरह की फिजूल बातें करके आप मेरे काम में और मेरे करियर में रुकावट डाल रहे हैं। मुझे इस तरह काम करना पसंद नहीं। सलमान लगातार ऐश्वर्या को गालियां दे रहे थे और दरवाजा पीटे जा रहे थे। देखते ही देखते वहां सारे पड़ोसी भी जुट गए और मामला काफी अगली होता गया। डोर ओपन ना करने पर सलमान ने बाहर पार्किंग में खड़ी ऐश्वर्या की गाड़ी पर भी गुस्सा निकाला और उसे स्मैश कर दिया। आखिरकार वहां पुलिस पहुंची और सलमान को अपने साथ ले गई। बताया गया कि ऐश्वर्या के पापा ने पुलिस को फोन कर इस बारे में जानकारी दी थी और दूसरे दिन सलमान पर FIR भी दर्ज करवा दी थी। इससे सलमान खान का पारा और चढ़ गया। सलमान ने ऐश्वर्या के पापा पर भी अपनी भड़ास निकाली और माफी मांगने के बजाय ऐश्वर्या के पेरेंट्स के लिए भी उल्टा सीधा बोला। उस वक्त मुंबई के ACP रहे अंबादास पोटे के मुताबिक 27 दिसंबर 2001 को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में ऐश्वर्या के पिता कृष्णराज राय ने सलमान खान के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज कराई थी, जिसके बाद सलमान खान को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। बाद में सलमान खान ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो ऐश्वर्या के पेरेंट्स के लिए डिसरेस्पेक्टफुल रहे थे, इसलिए ऐश्वर्या का गुस्सा जायज था। बता दें कि ये सब साल 2001 का ही मामला था और आप आज भी अगर उस समय के न्यूज टैबलेट्स को देखेंगे तो इससे जुड़ी तमाम आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाएंगी, जिसमें सलमान के अब्यूसिव बॉयफ्रेंड होने और ऐश्वर्या के घर पर हंगामा करने की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। इसके कुछ दिन बाद ऐसी खबर आई कि सलमान ने ऐश्वर्या राय के फिल्म सेट पर जाकर हंगामा कर दिया। रोहन सिप्पी की इस फिल्म कुछ ना कहो में ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन साथ काम कर रहे थे। सलमान ने उस दिन ऐश्वर्या की कार में भी तोड़फोड़ की और शूटिंग डिस्टर्ब हो गई। सलमान की बदतमीजियां यही नहीं रुकी। इसके बाद एक दिन उन्होंने एक पार्टी में फिल्म मेकर सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया और खूब हंगामा हुआ और इसके पीछे भी ऐश्वर्या का ही नाम सामने आया। हालांकि उनके पिता सलीम खान के कहने पर सलमान ने दूसरे दिन सुभाष घई से माफी मांग ली। इसी बीच साल 2002 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में जब ऐश्वर्या पहुंची तो उनके एक हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और रात के फंक्शन में भी उन्होंने चश्मा लगा रखा था। ऐश्वर्या को ऐसे देख कई अखबारों ने ये खुलेआम छापा कि सलमान ने उन्हें चोट पहुंचाई है, जिसे छिपाने के लिए ऐश्वर्या ने ये चश्मा पहना था। लेकिन उस वक्त ऐश्वर्या ने इन खबरों का खंडन किया और कहा कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। लेकिन ब्रेकअप होने के 4 महीने के बाद 27 सितंबर 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी और कहा कि हमारे ब्रेकअप के बाद भी वो मुझे फोन करता था और उल्टी सीधी बातें करता था। उसे ये भी शक था कि मेरा मेरे को स्टार्स के साथ अफेयर चल रहा है। मेरा नाम अभिषेक से लेकर शाहरुख खान तक हर किसी के साथ जोड़ा। कई बार सलमान ने मेरे साथ मारपीट भी की। किस्मत अच्छी थी कि मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं आया। वो मुझे काफी परेशान करता था और जब मैं उसका फोन नहीं उठाती तो वो खुद को चोट पहुंचाता था। वहीं जब सलमान खान से इस पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा था कि झगड़े में वो खुद को चोट पहुंचाते हैं, ना कि किसी और को। मैं तुम पर चीख रहा हूं, धमका रहा हूं तुम्हें, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि साल 2002 में आई फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम सलमान खान ऐश्वर्या राय की साथ में आखिरी फिल्म रही, जिसमें ऐश्वर्या का गेस्ट अपीयरेंस था और ये सलमान की मंगेतर बनी थी। इस फिल्म की शूटिंग हालांकि पहले ही हो चुकी थी। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दरअसल अपार्टमेंट वाले हंगामे के बाद लोगों को ऐसा लगा था कि अब सलमान खान शांत हो जाएंगे और आगे इस तरह की कोई और गलती नहीं दोहराएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
दरअसल इसी समय ऐश्वर्या की एक फिल्म चलते चलते की शूटिंग शुरू हुई थी, जिसमें इनके अपोजिट शाहरुख खान कास्ट किए गए थे। ये साल 2002 की बात है। इस फिल्म का एक गाना शूट हो रहा था, तभी अचानक सलमान खान उसके सेट पर पहुंच गए, जो कि नशे में धुत थे। वहां पहुंचते ही सलमान सीधे ऐश्वर्या को गालियां देने लगे और कहने लगे कि उनका शाहरुख खान के साथ अफेयर चल रहा है। सब हैरान थे। कई क्रू मेंबर्स ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि ऐसा नहीं है, पर सलमान लगातार हंगामा किए जा रहे थे और शूटिंग रुक गई थी। 4 घंटे तक ये हंगामा यूं ही चलता रहा और फिर इस दिन की शूटिंग को ही कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद आनन फानन में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी और शाहरुख खान ने इस फिल्म से ऐश्वर्या राय को हटाने और उनकी जगह रानी मुखर्जी को लेने का फैसला किया, जिससे आगे इस तरह का कोई और ड्रामा क्रिएट ना हो। जब ऐश्वर्या को इस बारे में पता चला तो वो शाहरुख खान से काफी नाराज हुई, क्योंकि उन्हें शाहरुख से मदद और सिंपथी की उम्मीद थी, ना कि इस तरह फिल्म से किकआउट करने की। पर फिल्म में शाहरुख खान का भी पैसा लगा था तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इस हंगामे के दूसरे दिन सलमान खान वापस उसी सेट पर पहुंचे और शाहरुख खान और फिल्म के डायरेक्टर से माफी मांग ली। साथ ही क्रू मेंबर्स जो सीनियर थे उनसे भी उन्होंने सॉरी बोल दिया और इन सब से सुलह कर ली। लेकिन ऐश्वर्या के बारे में सोचिए कि उन्हें बिना किसी गलती की सजा मिली थी। उन्हें इस बड़ी फिल्म से तो बाहर निकाल ही दिया गया, इसके अलावा आगे आने वाली कुछ और बड़ी फिल्में भी उनके हाथ से निकल गई थी। पलकों से अश्क ये क्यों ना गिरे सीने की। ये फिल्में थी मैं हूना और वीर जारा। इन दोनों ही फिल्मों में ऐश्वर्या शाहरुख के साथ लीड एक्ट्रेस थी और ये दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी। बताते हैं कि तब फिल्म मेकर्स को ऐसा लगने लगा कि ऐश्वर्या को फिल्म में लेने का मतलब डायरेक्ट सलमान खान से पंगा लेना है, और कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि सभी उनके दबंग नेचर को जानते थे और किसी भी फालतू के ड्रामे से बचना चाहते थे। फिर तो ऐसी भी खबरें आने लगी कि कई एक्टर्स ने ऐश्वर्या के साथ काम करने से मना कर दिया कि सलमान हंगामा ना कर दें। सोचिए ऐश्वर्या को प्यार करने की कैसी सजा मिली थी। पहले अपने प्यार के हाथों जलील होती रहीं, अब्यूज और टॉर्चर झेलती रहीं, और जब हिम्मत करके अलग हुईं, तो फिल्मों से हाथ धोना पड़ा, जबकि सलमान मारपीट और तमाम बदतमीजियां करके भी बेखौफ फिल्मों में काम कर रहे थे और चौड़े होकर घूम रहे थे। गुंडागर्दी और अन्याय के बोझ तले दबे हुए समाज के बचने की अगर कोई उम्मीद बाकी है तो सिर्फ तुम जैसे कुछ लोगों के बदौलत है। अगर तुम हिम्मत हार गई तो समझ लो कि सच हार गया और झूठ जीत गया। सो प्लीज डोंट लेट दैट हैपन। ये इंसिडेंट हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज 21st सेंचुरी में भी हमारे देश में लड़कियों की हालत कितनी खराब है, और बॉलीवुड जैसी मॉडर्न और प्रोग्रेसिव मानी जाने वाली इंडस्ट्री भी औरतों को लेकर कितनी बायस्ड और इमोशनलेस है कि गलती चाहे कोई करे भुगतना तो महिला को ही पड़ेगा। खैर, इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं वजहों से साल 2002 के बाद ऐश्वर्या को कोई बड़ी फिल्म नहीं मिली। हाँ, पहले से बन रही फिल्म देवदास 2002 में जरूर रिलीज हुई थी, जो ऐश्वर्या की आखिरी हिट फिल्म मानी जा सकती है। इसके बाद ऐश्वर्या अपने करियर में स्ट्रगल ही करती रहीं और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में काम करती रहीं। तभी साल 2003 में इन्हें एक फिल्म मिली, क्यों हो गया ना। इसमें इनके को स्टार थे विवेक ओबेरॉय। गूंजी सी है सारी फिजा जैसे बजती हो। अब तक सलमान खान कांड के 3 साल बीत चुके थे। इस फिल्म में काम करने के दौरान ऐश्वर्या और विवेक ओबेरॉय में अच्छी दोस्ती हो गई। बताते हैं कि इसी साल यानी 2003 में ऐश्वर्या 30 साल की हुई और इनके इसी 30th बर्थडे पर विवेक ने इन्हें 30 बर्थडे गिफ्ट्स दिए, जिससे इन्हें स्पेशल फील करा सके। विवेक ओबेरॉय द्वारा इस तरह ऐश्वर्या को गिफ्ट दिए जाने की खबर जब सलमान खान तक पहुंची तो वो एक बार फिर से अपना आपा खो बैठे, और इसके बाद गुस्से में नशे में उन्होंने क्या कुछ किया ये आप विवेक ओबेरॉय की जुबानी ही सुनी। तो जब मेरी उनसे बात हुई मैंने डांटा उनको तो 5 सेकंड के लिए तो दंग रह गए। जब मैंने चिल्लाया तो उन्होंने कहा तूने क्या कहा। मैंने कहा जो मैंने कहा
वो आपने सुना एंड ही सेड कि यू नो व्हाट आई कैन डू, आई सेड व्हाट। विवेक ओबेरॉय के अनुसार जब रात में फोन करके सलमान खान ने उन्हें धमकी और गालियां दी तो इन्होंने भी पलटकर जवाब दिया और उन्हें मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। फिर विवेक ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सारी बातें मीडिया से खुलकर बता दी। मैं सोहेल को कहा, सोहेल मेरे बहुत करीब दोस्त हो, आपके भाई ने इस तरह की बदतमीजी की है और आई एम गोइंग टू टीच हिम अ लेसन इफ ही कम्स हियर, मेरे आड़े आएगा तो मेरे से मार खाएगा। विवेक ने ये भी कहा कि चूंकि वो ऐश्वर्या को डेट कर रहे हैं इसलिए सलमान खान ने उन्हें धमकियां दी, लेकिन फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए विवेक ओबेरॉय का भी खूब मजाक उड़ाया गया और कुछ लोगों ने तो इसे उनका पब्लिसिटी स्टंट करार दे डाला क्योंकि वो एक फ्लॉप एक्टर थे। खैर ये सब महीनों यूं ही चलता रहा और दूसरी तरफ ऐश्वर्या को भी विवेक ओबेरॉय का ये तरीका कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया कि किस तरह से वो ऐश्वर्या का नाम मीडिया में सामने ला रहे हैं, उनको दिए गिफ्ट की बात कर रहे हैं और इसके बाद नाराजगी में ऐश्वर्या ने विवेक से भी रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद ऐश्वर्या को इंडियन अच्छी फिल्में भले ही ना मिल रही हों लेकिन कुछ अच्छी हॉलीवुड फिल्में मिली एंड शी मूव्ड ऑन। इसी दौरान ऐश्वर्या ने ब्राइड एंड प्रेजुडिस और द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस जैसी बाहर की फिल्में की और इनकी शूटिंग के लिए कुछ समय विदेशों में रहीं। आई कुड नेवर बी द काइंड ऑफ वाइफ दैट कुड मेक यू हैप्पी एंड आई डोंट थिंक यू कुड मेक मी हैप्पी आइदर। इसी दौरान सलमान खान की जिंदगी में कटरीना कैफ की एंट्री हुई और अब जाकर फाइनली उन्होंने ऐश्वर्या का पीछा छोड़ा। इस तरह साल 1999 से लेकर 2003 तक अपने एक गलत रिश्ते में होने की वजह से ऐश्वर्या ने बहुत कुछ खोया और इनका करियर ग्राफ भी बुरी तरह से नीचे गिर गया। कई फिल्में इनके हाथ से चली गईं और मीडिया के जरिए किरकिरी हुई सो अलग। हालांकि इनके बुरे वक्त में इनके परिवार ने साथ नहीं छोड़ा और हमेशा इनके साथ खड़ा रहा। हालांकि पिछले कुछ सालों में ऐश के साथ जो कुछ भी हुआ था इसके बाद लोगों ने ये मान लिया था कि अब ऐश्वर्या का करियर खत्म ही समझो, भला भाई जान से पंगा लेकर कोई लड़की कैसे इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकती है। लेकिन तभी साल 2005 में ऐश्वर्या राय को बंटी और बबली फिल्म में एक आइटम नंबर करने का मौका मिला और इसमें ऐश ने अपनी जान डाल दी। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के साथ फिल्माया गया ये गाना इस कदर हिट रहा कि सबकी जुबान पर चढ़ गया। शादियों से लेकर पार्टियों तक हर जगह इस गाने ने धूम मचा रखी थी। ऐश्वर्या ने कजरारे सॉन्ग के बाद वापसी की और कुछ अच्छी फिल्में भी इन्हें मिली जैसे उमराव जान, धूम 2 और गुरु। तुम्हारी महफिल्मी आ गए तो क्यों ना हम रेजी किया रे, रेजी किया रे, रेजी किया रे। गौर करने वाली बात ये रही कि कजरारे सॉन्ग के हिट होने के बाद ये जो तीन अच्छी फिल्में ऐश्वर्या को मिली थीं, वो सभी अभिषेक बच्चन के साथ थीं। रुकी रे वो रुकी रे, काटू रे काटे, काटे ना। वैसे तो करियर के शुरुआती दौर में भी ऐश्वर्या अभिषेक के साथ काम कर चुकी थीं, लेकिन अब लगातार साथ काम करने के दौरान दोनों की केमिस्ट्री खूब जचने लगी। जो पास आ गए, हम जो शर्मा गए। इन दोनों की ये ऑन स्क्रीन जोड़ी ऑफ स्क्रीन भी साथ देखी जाने लगी और इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। तब तक अभिषेक भी दो बार प्यार में मात खा चुके थे और करिश्मा कपूर से सगाई और रानी मुखर्जी से रिश्ता टूट चुका था। यानी इन दोनों को ही एक ऐसे हमसफर की तलाश थी जो इन्हें इमोशनल सपोर्ट दे सके। मुझे देख के जब तुम यूं ठंडी आहें भरते हो, अच्छे लगते हो। साल 2007 में अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को शादी के लिए प्रपोज किया और ऐश्वर्या ने हाँ कर दी। इन दोनों के परिवारों को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी और अप्रैल 2007 में धूमधाम से ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार की बहू बन गईं। लेकिन शादी को लेकर भी ऐश्वर्या को एक वर्ग ने जहां घेरा तो एक वर्ग ने सहानुभूति जताई,
क्योंकि लोगों का कहना था कि सलमान खान वाले इंसिडेंट की वजह से ही इन्हें खुद से कमतर आके जाने वाले एक फ्लॉप एक्टर से शादी करनी पड़ी, जो कि कहीं से भी इन्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं करते थे। झूठ, तुम मारते थे मुझ बेचारी को। मैंने कब मारा तुम्हें? खैर, ऐश्वर्या ने कभी इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा और शादी के बाद भी फिल्मों और एड आदि में काम करना जारी रखा। तो वहीं इन्होंने पति अभिषेक बच्चन के साथ भी कई फिल्में की, जिनमें सरकार राज और रावण शामिल रहे। तुम्हारे हिसाब से लोगों का फायदा प्रायोरिटी है कि प्रोजेक्ट की सक्सेस? अंतर क्या है? प्रोजेक्ट एक इन्वेस्टमेंट है, पैसा वहीं लगाया जाता है जहाँ से फायदा मिले। फायदा वही है जो सबका। तो वहीं शादी के बाद की इनकी कुछ और चर्चित फिल्मों की बात करें तो साल 2008 में ऋतिक रोशन के साथ जोधा अकबर में इनके किरदार को खूब पसंद किया गया। हालांकि साल 2010 में ऋतिक के साथ ही गुजारिश फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, तो वहीं अक्षय कुमार के साथ फिल्म एक्शन रिप्ले भी फ्लॉप ही रही। इसके अलावा ऐश्वर्या कुछ इंग्लिश और तमिल फिल्मों में भी काम करती रहीं, लेकिन उम्र बढ़ने और प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ जैसी नई नई एक्ट्रेसेस की बॉलीवुड में एंट्री के साथ अब ऐश्वर्या को फिल्में मिलने कम हो रही थीं और किरदार भी बदलने लगे थे, क्योंकि हॉलीवुड में भले ही ऐसा ना होता हो लेकिन बॉलीवुड में 30 साल से ऊपर की या शादीशुदा एक्ट्रेसेस को फिल्म मेकर्स और दर्शक दोनों ही नकारने लगते हैं और इस अनफेयर पुअर थिंकिंग का शिकार ऐश्वर्या भी हो रही थीं। मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं है, पर उस मोहब्बत से दूर चले जाना वो हमारे बस में। तभी साल 2011 में वो प्रेग्नेंट भी हो गई और एक बेटी को जन्म दिया। यही वो समय था जब ऐश्वर्या को करियर में ब्रेक लेना पड़ा और अगले 5 साल तक वो किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई। दोस्तों कहते हैं कि भले ही कोई महिला अपने फील्ड की सक्सेसफुल लेडी हो या करियर बनाने की चाहत रखती हो, लेकिन जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसके करियर में ब्रेक जरूर लग जाता है, क्योंकि उसे अपना ज्यादातर वक्त बच्चे की परवरिश में देना पड़ता है। साथ ही कई फिजिकल चेंजेस भी उसे चैलेंज की तरह लेने होते हैं और उनसे डील करना होता है, लेकिन उसी सिचुएशन में किसी मेल एक्टर के साथ ऐसा नहीं होता और वो हर समय आराम से काम कर सकता है। यानी भले ही दो एक्टर्स बराबर के टैलेंट रखते हों, लेकिन एक वक्त पर एक फीमेल के लिए इस टैलेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता और उसे करियर में पीछे हटना ही पड़ता है। तो हाँ, ऐश्वर्या के साथ भी यही हुआ। आफ्टर डिलीवरी इनका वेट काफी बढ़ गया और लुक भी काफी बदल गया। जिन दर्शकों के दिलो दिमाग में इनकी मिस वर्ल्ड वाली छवि छाई हुई थी, अब वो ऐश्वर्या के इस लुक को पचा नहीं पा रहे थे। इसलिए ऐश्वर्या ने कुछ एडवर्टीजमेंट के अलावा अगले 5 साल तक कुछ भी नहीं किया और बहुत कम ही कैमरे पर दिखती थीं। इस दौरान इनकी जिंदगी काफी हद तक बदल चुकी थी। दुनिया के टॉप 100 पावरफुल लोगों में शुमार ये शख्सियत अब घर बैठने को मजबूर थी। ऐश्वर्या उन चंद अभिनेत्रियों में शुमार रही जिन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता था, लेकिन अब इसकी कोई कद्र नहीं बची थी। आप इनका कोई भी इंटरव्यू उठाकर देख लें, इनके बोलने की क्षमता के कायल हो जाएंगे। Well, that is, I think, more so. It goes with the job, with being part of the glam industry. I never encounter people by any gender manner. It's a very asexual kind of encounter when I meet people. So, फिर चाहे वो कोई भारत का शो हो या फिर इंटरनेशनल मंच रहा हो। I assume because that's probably how it got identified. And initially, when I listen to my seniors, they're not extremely ecstatic about the fact that that's the way it's referred to. But now it's down in the dictionary. So, हालांकि 5 साल के ब्रेक के बाद इन्होंने कुछ फिल्मों में फिर से काम जरूर किया, लेकिन अब वो पुरानी वाली स्थिति बहाल नहीं हो सकी। ये फिल्में रहीं जज्बा, सरबजीत, ए दिल है मुश्किल, फन्ने खां आदि। वहीं हाल ही में इनकी तमिल फिल्म पोन्नियन सेल्वन की भी 2 पार्ट्स रिलीज हुई हैं, जिनमें इनका दमदार रोल है, लेकिन हिंदी फिल्मों में अभी इनके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। खैर, ये रही कहानी उस अभिनेत्री और विश्व सुंदरी की जिसने अपने टैलेंट के बल पर बहुत कुछ पाया
तो अपने आसपास के जंक और लोगों की खराब मानसिकता की वजह से बहुत कुछ खोया भी। जिसने कभी हार नहीं मानी, हर सिचुएशन को कूल और काम रहकर हैंडल किया, तो अपने जीवन में लोगों के चुनाव में कई बार मानवीय गलतियां भी की, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर भारतीय महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी और हमेशा रहेंगी। तो दोस्तों, ये रही कहानी एक बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की। आप इनकी जिंदगी, इनकी उपलब्धियों और इनसे जुड़े विवादों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।